हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विंस किचन। टुडे आई मेक सूजी का हलवा विद केसर फ्लेवर। सो लेट्स स्टार्ट नाउ हाउ टू मेक सूजी का हलवा विद केसर फ्लेवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सूजी लिया है, यानी सेमोलिना, जिसे हम रवा भी बोलते हैं, 1 कप। इसी से सारे इंग्रेडिएंट्स हमें लेना है, मेजरमेंट करना है इसी से। 1 कप शुगर लिया है, 1/2 कप घी लिया है मैंने, और कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं जैसे कि बादाम लिया है मैंने, किशमिश लिया है, 3 कार्डेमम लिया है यानी इलायची, और 30 से 40 सैफरन लिया, कुछ मैंने केसर के धागे लिए हैं। इसी कप से मैंने 2 कप मिल्क भी लिया है यानी कि दूध लिया है, 1 कप पानी लिया है मैंने। फ्रेंड्स, बनाने से पहले हम इसके बेनिफिट्स भी जान लेते हैं। ये आपको एनर्जी बूस्ट का भी काम करता है, वेट लॉस में भी आपकी मदद करता है, इंस्टेंट एनर्जी बनाए रखता है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बनाना सूजी का हलवा विद केसर। फ्रेंड्स, मैंने एक पैन लिया है, गैस पे रख दिया है। अब मैं गैस को ऑन करता हूँ और मेरा पैन जो है गर्म हो जाए तो मैं लो फ्लेम पर कर दूंगा और अपने रवा को अच्छे ढंग से भूनूंगा रेडिश ब्राउन होने तक। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगा घी। फ्रेंड्स, हमारा घी जो है मेल्ट हो चुका है और मैंने लो फ्लेम पर कर दिया। अब मैं इसमें डालूंगा अपना रवा यानी कि सूजी, और इसको मैं इसे मिक्स करूंगा जब तक ये सुनहरा लाल ना हो जाए। भूनते रहना है आपको अच्छे से, एकदम लो फ्लेम आपका होना चाहिए। हमारा रेडिश ब्राउन हो जाएगा तो इसका मतलब, फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए, रेडिश ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसे एक प्लेट में निकाल लूंगा, जब तक ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसमें अपना चाशनी तैयार करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने निकाल लिया एक प्लेट में। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें अपना मिल्क ऐड करूंगा। अब जैसे ही इसमें थोड़ा उबाल आएगा वैसे ही मैं इसमें शुगर ऐड करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, उबाल आने लगा है, अब मैं इसमें शुगर ऐड करूंगा। अब मैं मिक्स करूंगा इसे, जब तक घुल जाएगा उसके बाद मैं केक में केसर के लिए इसमें से दूध निकाल लूंगा, इसमें से थोड़ा सा। फ्रेंड्स, मेरा चीनी घुल चुका है, अब मैं इसमें से केसर के लिए थोड़ा सा दूध निकालूंगा। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें केसर ऐड करूंगा, इसमें घुल जाएगा अच्छे से और काफी अच्छा कलर आएगा। 1 कप इसमें पानी ऐड करूंगा और फिर से इसमें उबाल आ जाए तो मैं इसमें कार्डमम पाउडर ऐड करूंगा। उबाल आ चुका है, अब मैं इसमें ऐड करूंगा इलायची पाउडर। केसर वाला दूध, फ्रेंड्स देखिए केसर का कितना अच्छा कलर आया है, सुना है एकदम देखने में अच्छा लग रहा है, खूबसूरत सा। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें धीरे धीरे करके अपना जो सूजी था वो डालूंगा। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बन रहा है, धीरे धीरे रेडी हो रहा है। ये स्वाद से भरपूर बनता है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा अपना बादाम, छोटे टुकड़ों में पीसेस में डिवाइड कर लिया। अब मैं इसमें ऐड करूंगा किशमिश। फ्रेंड्स, अब हमारा रेडी है, अब मैं इसे सर्व करूंगा और सर्व करके 1 घंटे से फ्रिज में मैं रख दूंगा। 1 घंटे हो चुके हैं, मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। स्वाद से भरपूर केसर का हलवा हमारा रेडी है। कैसी लगी हमारी रेसिपी आपको कमेंट में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, प्यारा, खाने में भी उतना ही टेस्टी होगा। चलिए टेस्ट करके बताते हैं आपको। देखिए टेस्ट करके मैं बताता हूँ कैसा लग रहा है। वाओ, यम्मी।
डिलीशियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।